अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो हमारे पास एक सुबह सुबह पार्सल आ गया अमेज़ॉन की तरफ से। तो ये माउस मेरे पास था लेकिन बहुत जल्दी ये ख़राब हो गया। इसमें डायरेक्ट राइट क्लिक होता है, लेफ़्ट क्लिक होता ही नहीं है। कुछ भी दबाएंगे डबल क्लिक हो जाता है या तो राइट क्लिक होता है। तो ये बहुत परेशान कर रहा था जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम रुक गए थे। तो मैंने कल रात ही ऑर्डर किया और सुबह बंदे ने लेके आ गया। तो देखते हैं क्या चीज़ है। तो ये रहा हमारा माउस B170। तो आप अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे B170 तो आपको ये माउस वहाँ पर दिख जाएगा और आप वहाँ से जो है ये लॉजिटेक का माउस खरीद सकते हैं। काफ़ी छोटा डब्बा है और इसकी रेटिंग जो है सबसे ज़्यादा अच्छी है। मैंने लिनो और सैमसंग और डेल की भी मैंने माउस देखे लेकिन इसकी रेटिंग सबसे अच्छी है, इसलिए मैंने इसको अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। तो काफ़ी इसका रिव्यू जो अच्छा था और मेरे पास पहले भी माउस जो था ये वायर वाला, ये जो है 2 साल आराम से चला। इसमें इंडिकेटर लाइट भी है और मैंने इसको ये ख़राब हो चुका है। इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक होता है, ये लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक होता है। तो कभी फाइल डिलीट हो जाती है, कभी अपने आप ड्रैग एंड ड्रॉप होती है। तो ये पगला गया था। मैंने बहुत कोशिश की इसको बनाने की, उसका इंडिकेटर सही करने की, लेकिन ये किसी भी तरह से सही नहीं हुआ। तो इसकी वजह से मेरे बहुत सारे काम रुक गए थे, इसलिए मुझे एक नया माउस लेना ही था। तो मैंने इस बार सोचा कि भाई ये वायर वाला माउस अभी इसको टाटा बाय कर दो और जो है वायरलेस वाले ले लो। मैं तब तकरीबन 20-25 साल से वायर वाले माउस ही इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा वायरलेस माउस को भी आजमा के देखते हैं कितना चलता है। तो ये मैंने ऑर्डर किया तो अभी इसको तो टाटा बाय बाय, इसका कुछ यूज़ नहीं है। तो मैंने ये माउस ले लिया। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्म करता है। तो यहाँ अंदर हमको एक प्लास्टिक का छोटा सा पाउच मिल जाता है, डब्बे में कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है। तो उसको हम करते हैं साइड में। तो हमारे ये पैकेट के अंदर माउस है तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये रहा छोटा सा माउस, काफ़ी खूबसूरत है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक का है और आवाज़ भी नॉर्मल आवाज़ है। इसकी जो है क्लिक की आवाज़ नॉर्मल है तो उतना ज़्यादा आपको इरीटेट नहीं करेगी। पीछे जो है यहाँ पे ऑन ऑफ़ का बटन दिया हुआ है, ऊपर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ऑफ़ होगा। और इंडिकेटर लाइट है लेकिन ये इंडिकेटर लाइट जो है ऑन करने के बाद भी चालू नहीं होती है, तो इससे हमारी बैटरी भी सेफ होती है। वरना बहुत सारे माउस में जो इंडिकेटर लाइट जो है लाल कलर की चालू होती है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिप लगा है ताकि बैटरी यूज़ ना हो। तो हम इसका कंपार्टमेंट खोलेंगे और इस स्ट्रिप को निकाल लेंगे। बैटरी इसकी सेफ है स्ट्रिप लगाने से, इसको निकाल लेंगे और ये बैटरी हम इसको डाल देंगे। आप देख लेना कि प्लस की दर है माइनस की दर है। अगर आपने उल्टी बैटरी डाली तो माउस काम नहीं करेगा। तो और इसी के साथ एक छोटा सा रिसीवर है, टाइनी रिसीवर, ये लॉजिटेक का ही रिसीवर है, माउस भी लॉजिटेक का है। तो लॉजिटेक माउस के साथ इसका ये रिसीवर ही काम करेगा। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो उसमें रोशनी नहीं आती, मेरे पास जो पुराना जो माउस है उसके अंदर इंडिकेटर लाइट आती थी, इसमें नहीं आती, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि माउस चालू है या बंद है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और इसका इंडिकेटर लाइट बंद रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारी बैटरी कम यूज़ होती है, लाइट की वजह से हमारी बैटरी ड्रेन होती है। तो इसमें लाइट नहीं है तो रेजर लाइट नहीं है, इसलिए हमारी बैटरी ज़्यादा दिन तक चलेगी। कंपनी ने क्लेम किया कि 12 महीने तक ये बैटरी चलती है।
तो लेकिन ड्रॉबैक ये है कि लाइट नहीं होने से हमको मालूम नहीं पड़ता कि माउस चालू है या बंद है। जब आप उसको पीसी में लगाएंगे और जब उसको चालू करेंगे कर्सर देख के आपको मालूम पड़ेगा कि माउस वर्क कर रहा है, वरना ऐसा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि चालू है या बंद है। तो बैटरी उन्होंने काफ़ी अच्छी दी है, रिवर्सल की दी है, एवरीडी वगैरह कहीं नहीं दी है, रिवर्सल अच्छी लॉन्ग लाइफ रहती है। तो ये हम आराम से जो है 12 महीने ये चलेगी, आपको बार बार बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी क्लेम कर रही 12 महीने तो 12 महीने ही चलेगी, बल्कि ऐसा है कि आपके यूज़ के ऊपर, अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो बैटरी ज़्यादा नहीं चलेगी, 12 महीने तक नहीं चलेगी, बल्कि 6 या 7 महीने में ये ड्रेन हो जाएगी, आपको नई बैटरी ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो फिर ये बैटरी आपको 12 महीने तक चलेगी। जब आपको उसका यूज़ नहीं है माउस का तो आप उसको बटन को ऑफ़ कर दीजिए। जैसे हम शट डाउन करते हैं तो हमको माउस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माउस अपने आप शट डाउन हो जाता है वायर वाला। लेकिन तो हमको मालूम पड़ जाता है कि भाई इसको माउस को चेक करने की ज़रूरत नहीं, शट डाउन कर दिए बेफिक्र हो गए, हमको माउस देखना नहीं पड़ता कि चालू या बंद है। तो ये CPU के पावर से चलता है। लेकिन इसके लिए जो है आपको माउस को याद रखना है कि कंप्यूटर अपने PC अगर आपने शट डाउन किए हैं तो एक बार माउस को चेक कर लेना कि इसका बटन ऑन तो नहीं रह गया, अगर यूज़ में नहीं है तो उसको ऑफ़ कर दे, वरना जो है वो यूज़ होते रहेगा। देखो अभी इसमें जो एक ये प्लास्टिक क्यों लगा के रखे थे, ताकि बैटरी यूज़ ना हो, भले आपने उसका इस्तेमाल PC में लगा के नहीं कर रहे हैं, PC बंद है आपका, लेकिन अगर बैटरी इस तरह से अगर चालू रहेगी तो वो यूज़ होती रहेगी, कंजम्पशन होते रहेगा उसका, इसलिए लोग ने ये प्लास्टिक लगाए। तो आप भी क्या करेंगे, जब जैसे ही आपका माउस का यूज़ हो गया, आपने शट डाउन कर दिया, आप याद से जो है इसका बटन ऑफ कर दीजिए ताकि बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा चले, और रिसीवर को उसको अंदर रख दे, अगर कहीं वर्कशॉप वगैरह में जा रहे हैं तो रिसीवर को अंदर रख के साथ में लेके जाए, क्योंकि रिसीवर के ज़रिए ही ये माउस चलेगा। अगर आपका वो रिसीवर खो जाता है तो फिर आपको बड़ी परेशानी होगी। ये रिसीवर यहाँ पे दो जो है रबर के ग्रिप दी हुई है, तो इससे आपका माउस अच्छा चलेगा। यहाँ पर भी रबर की ग्रिप थी लेकिन बाद में निकल गई वो, तो इसमें रबर ग्रिप दिया है, स्मूथली चलेगा। इसमें कोई ब्रांड नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें लॉजिटेक का ब्रांड है, वो थोड़ा सस्ता वाला, इसमें ब्रांड नहीं है लॉजिटेक का, इसमें देखो ब्रांड भी दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा ये माउस जो है मेरा पुराना वाला माउस थोड़ा बड़ा है, तो ग्रिप अच्छी मिलती थी, और व्हील जो है वो प्लास्टिक का है, और इसमें भी जो है प्लास्टिक का ही व्हील दिया है, रबर का देता तो थोड़ा और अच्छा रहता था। लेकिन ये छोटा माउस है, थोड़ा ग्रिप में नहीं आता है, लेकिन इसका वज़न बहुत कम है, 68 ग्राम है, उसका जो है 74 या 72 तक का था इसका वज़न जो है, ग्राम 72-74 ग्राम का, ये छोटा है, तो ज़्यादा अपने हाथ पे भारी भी नहीं पड़ेगा, आराम से यूज़ करेंगे, जल्दी हाथ थकेगा नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, छोटा है तो हल्का भी रहेगा और ज़्यादा यूज़ करने से अपने हाथ को भी थोड़ा तकलीफ नहीं रहेगी, ग्रिप अच्छी मिलती है। तो ये माउस बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये माउस थोड़ा बड़ा है, इस पर ग्रिप अच्छी मिलती है, लेकिन ये अभी पकला गया है, कुछ भी करो उसको राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करो तो राइट क्लिक होता है, तो इसको मैंने बोला कि अभी चलो इसको हटाई दो, नया लॉजिटेक का जो है उसी से हम लोग काम चलाते हैं, अभी देखेंगे कितना चलता है कितना नहीं चलता है। तो इसको जो है जब भी आप वर्कशॉप वगैरह में अगर जाते हैं तो ये माउस को साथ में लेके जाना है, याद रहे कि इसका ब्रांड जो है 172 का नंबर है। तो आप कहीं भी जाते हैं तो PC में अगर लगा है आपका रिसीवर और आपने ऐसे ही माउस को लेके चले गए तो आपका माउस काम नहीं करेगा बगैर रिसीवर के, तो इसका रिसीवर घूमना नहीं चाहिए, रिसीवर बहुत काम की चीज़ है। ये रिसीवर अगर आपने खो दिया तो आपका माउस सिर्फ खेलने के काम का रह जाएगा और उसका कोई यूज़ नहीं, जैसा मेरा ये वाला ख़राब हो गया वैसे भी बेकार हो जाएगा। तो रिसीवर इसकी जान है माउस की, इसको ज़्यादा संभाल के रखना है, और या लॉस्ट हो गया तो भी आपका ये माउस पूरा बेकार है, फेंकने के लायक हो जाएगा, मतलब बच्चों के खेलने के काम आएगा, या अगर रिसीवर ख़राब हो गया वर्क नहीं कर रहा है तो भी जो है वो खेलने के काम हो जाएगा, जैसे ये मेरा पुराना जो है अभी सिर्फ किसी काम का नहीं रहा। तो रिसीवर के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको
ये रिसीवर जो है इसके साथ ही काम आता है। अगर ये रिसीवर घूम गया और आपने सोचा कि मैं दूसरे रिसीवर से काम चलाऊंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा रिसीवर इसको सिंक नहीं करेगा और आपका माउस रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इसके साथ ही लॉजिटेक का माउस है और लॉजिटेक का ही जो है ये रिसीवर है, तो ये दोनों आपस में सिंक होते हैं। बाकी दूसरा कोई भी अगर आपने एडप्टर जो है डोंगल ब्लूटूथ का लगाया तो काम नहीं करेगा किसी दूसरे माउस का। लॉजिटेक के ही माउस का अगर कोई दूसरा मॉडल है उसका भी रिसीवर लगाएंगे तो लॉजिटेक में काम नहीं करेगा। इसके साथ यही वाला जो है वर्क करता है। तो इसको काफ़ी ये इसकी दिक्कत है कि आपको रिसीवर हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर पीसी में लगा है तो कोई बात नहीं, आपका रिसीवर वैसे ही रहेगा, लेकिन लैपटॉप में आप लेके जाते हैं और कहीं गिर जाता है तो आपका माउस पूरा का पूरा बेकार हो जाता है, फेंकने के लायक, कोई काम का नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा रिसीवर काम नहीं करेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। आपको जब भी जाना है वर्कशॉप वगैरह में लेने के लिए तो आपको रिसीवर इसके अंदर रख कर ले जाना है। अगर रिसीवर भूल गए, आप खाली माउस लेकर चले गए, तो काम नहीं करेगा, आपका काम होगा नहीं। और किसी और का रिसीवर लगा के आप सोचेंगे कि मैं काम करूँगा तो भी दूसरा रिसीवर ये माउस को रिस्पांस नहीं करने वाला, या माउस जो है उस रिसीवर से रिस्पांस नहीं करेगा। जो इसके कंपनी ने जो दी है रिसीवर वो उसी से काम करता है, ठीक है। तो मैंने ये जो वायरलेस रियलमी बड्स लिया हूँ तो उसके लिए मैंने एक ब्लूटूथ मेरे पीसी में लगा रखा है, तो ये जो है उसके साथ अटैच हो जाता है। मैंने माउस को भी ये रिसीवर के बिना उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन ये माउस रिस्पांस नहीं करा। तो ये ब्लूटूथ जो है दूसरा जो मिलता है डोंगल नॉर्मल जो है वो ये माउस को कनेक्ट नहीं करता है। मेरा रियलमी कनेक्ट हो जाता है लेकिन माउस कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन अभी आजकल जो है थोड़ा सा एडवांस हो गया है, अभी एक माउस ऐसे आ रहे हैं जो ब्लूटूथ इनबिल्ट इसके अंदर आता है, आपको कोई रिसीवर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लूटूथ माउस ख़रीदो, आप डायरेक्ट जो है ब्लूटूथ जो आपके लैपटॉप में इनबिल्ट रहता है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, आपको रिसीवर संभालने की ज़रूरत नहीं है। बस माउस लो और जैसे आपने पीसी ऑन किया उसका ब्लूटूथ ऑन किया, ये लैपटॉप का ब्लूटूथ ऑन किया, वैसे ही ये डायरेक्ट माउस के साथ पेयर हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो पीसी में भी आपका जो ब्लूटूथ डोंगल लगा है तो उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। तो आजकल ऐसे माउस आ रहे हैं ब्लूटूथ वाले, वो थोड़े महंगे रहते हैं, ये रिसीवर की झंझट नहीं, ये थोड़ा सस्ता रहता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।